सॉलिड फॉर्म में जब आपका गैस फॉर्म में जाता है तो पहले लिक्विड में होगा फिर गैस में होगा, इसमें एक फेज नहीं होता है, ठीक है? हाँ ठीक है, वो डायरेक्ट आप इसको एक तरह से हाँ डायरेक्ट वो कर देंगे। बाकी थर्मिटी मीटर ठीक है, ये तो थर्मिटी मीटर नाम से पता चल रहा है, ठीक है, उसमें चेक करने के लिए, ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रोफोटो मीटर है, ठीक है, ये नॉर्मली आपका सॉफ्टवेयर से ऑपरेटेड है, सॉफ्टवेयर इसमें पड़ा होता है, यहाँ यहाँ जो मैं बता रहा था कि दो आपका एक क्यूबिट होता है, ठीक है, ग्लास का दो क्यूबिट होते हैं, तो इसमें आप देखिए एक में लिखा रेफरेंस, ठीक है, एक में लिखा सैंपल, ठीक है, तो हम नॉर्मली हाँ उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका रेफरेंस होगा वो ब्लैंक होगा, ठीक है, और जिसमें आप कोई चीज एस्टिमेट करोगे, ठीक है, वो आपका दोनों डिफरेंट सैंपल है, तो आपको एक इसमें जब हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपका एक वो कर्व एक बनता है, ठीक है, और उसमें कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, फॉर्मूला वगैरह है, उसमें डाटा हमको मिल जाता है, क्योंकि कि इतने वेवलेंथ में एक रीडिंग मिलती है डिफरेंट वेवलेंथ पे, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हम कैलकुलेशन करके हम बता देते हैं कि कितना उसमें क्या है। ये तो ओपन है, ठीक है, ये इंक्यूबेटर, इसमें कुछ नहीं है आपका, देखिए यहाँ टेम्परेचर दिया है 5 to 60, ठीक है, तो मान लीजिए आपको अगर दही जमानी है उसका टेम्परेचर आपको पता है 45 पे सेट करके इसमें रख सकते हो, ये भी एसएफटी कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर और कंडीशन प्रोवाइड करेगा कि कोई चीज ग्रो हो या फिर कोई चीज एक तरह से ग्रोथ को आपका, ठीक है, इंक्रीज करेगा पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए, ठीक है, ये ट्रेड रहा है। इस समय तो आपके वो जो लैब के वो हैं वो भी नहीं है।